हैप्पी बर्थडे मम्मी. थैंक यू. सो गाइस इस न्यू सेटअप के लिए बुलेट मरने के लिए तैयार हुए थे. अरे कल का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना. एंड इट इज़ द नेक्स्ट डे. सो आज मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ. वैसे मतलब सुबह तो हम उठ गए थे बहुत ही जल्दी. ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है एंड काम भी स्टार्ट हो गया है मेरा ऑफिस का. यू कैन सी माई सेटअप आ गया यहाँ पे. एंड आज मैं अपनी अलमीरा सेट कर रही हूँ, लाइक कबर्ड सेट कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए. एंड जो सूटकेस लाई थी उसमें से कपड़े जो थे वो भी सेट करने हैं. इसको खाली कर दिया है अभी, जस्ट इसको अभी सेटअप करना है. ये सारे कपड़े जाएंगे वहाँ पे, प्लस ये भी सही करना है. कबर्ड तो ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है एंड अब बारी है हमारी ये मेकअप, बारी ड्रेसिंग टेबल की सफाई की. एंड यू कैन आई एम गोइंग टू ईट खाना. आपका सेटअप हो चुका है अब ये अच्छा खासा, तो आपको कैसा फील हो रहा है अब? बहुत अच्छा फील हो रहा है. जो हमने सपना देखा था इस जगह को एक सेट करने के लिए और फाइनली वो चीज़ पूरा हो गया. अच्छा फील हो रहा है. अभी कुछ और भी चेंजिंग लाएंगे अपने इस घर को सजाने. नहीं मैंने देखा आज आप बहुत मेहनत की है सुबह दौड़ दौड़ के. एंड ये आपने घर वालों को अपने बर्थडे की तरफ बर्थडे में रिटर्न गिफ्ट दिया है समझ लीजिए. हाँ, एक मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे है तो उनको हम ये गिफ्ट करें हैं उनका घर सजा के, तो अपना उनका दोनों का घर सजा के उन्हें गिफ्ट किए हैं. बहुत ज़्यादा कोजी कॉर्नर लग रहा है अगर मैं बताऊँ तो. मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये. हस्बैंड का भी आज ही बर्थडे पड़ता है. हाँ, तो आपके बर्थडे के लिए क्या प्लान है कल? बर्थडे 26 अक्टूबर का उनका भी है. तो बर्थडे में क्या प्लान है आपका फिर? फिलहाल शाम में हम लोग सब पूरी फैमिली मिलके बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. तो आप और पापा कुछ रोमांटिक पार्टी नहीं करने वाले हैं? नहीं. अरे कहिए तो हम लोग अरेंज कर देंगे. नहीं ये जगह सेटअप तो हो गया है अच्छा खासा, अरेंज कर देंगे हम लोग. थोड़ा हट जाएंगे थोड़ी देर के लिए. So guys, इस न्यू सेटअप के लिए cheers. And हम लोग सुबह से इसीलिए बिजी थे और इसीलिए ब्लॉग नहीं कर पाए. और इनको बड़ी हंसी आ रही है. और इतनी रात को हमने पापा को परेशान किया इस चीज के लिए, तो थैंक यू सो मच पापा अगर आप हमारा ब्लॉग देख रहे होंगे तो. एंड मैंने ही फरमाइश की थी, मम्मी ने नहीं की थी. हाँ, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आज बहुत अच्छा लग रहा है मेरा अपना. यहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा है कुछ भी. यहाँ बैठ के बात करने में मजा आ रही है ना. एंड कल आपको पार्टी भी देखने को मिलेगी जैसा कि मैंने आपको बताया. केक कटिंग होगी फिर भाई डिनर में ना. मम्मी और पापा दोनों का बर्थडे है मेरी सासू, तो हम लोग ट्राई करेंगे कुछ स्पेशल करें के लिए. वो आपको देखने को मिलेगा कल. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. ठीक है. हैप्पी बर्थडे मम्मी. थैंक यू.
मम्मी अभी जा रही है टेम्पल दर्शन वर्शन करने और अपना थोड़ा बहुत काम हम निपटा के फिर आएंगी, फिर हम लोग इनका इंतजाम करेंगे पार्टी का। पार्टी का अच्छा बोल दी, नहीं तो हम अभी इंतजाम करेंगे। इसको वाला मंगाया ना जिससे कोई जिससे किसी को बता देंगे एग वाला है। गाइस क्योंकि भाभी मम्मी को रेडी कर रही हैं बर्थडे गिफ्ट के लिए, तो इसीलिए इस ब्लॉग को मैंने कंटिन्यू किया है। तो फिर लेट गेट स्टार्टेड एंड सी कि भाभी कैसे मम्मी को रेडी कर रही हैं और क्या कर रही हैं। तो यहाँ पे मेकअप चल रहा है, मम्मी को रेडी किया जा रहा है। मम्मी आपको कैसा लग रहा है आपको? तो अच्छा फील हो रहा है, वो तो नहीं लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। फील क्या मम्मी, थोड़ी मजाक थोड़ी कर रही है, तो मेकअप कर रही है। फील क्या मतलब ज्यादा हार्ड तरीके से कर रही है। अच्छा फील हो रहा है, वो लग रहा है तीस साल पहले जब हम दुल्हन बनने के लिए तैयार हुए थे, आज फील हो रहा है। सुनो मम्मी पास बोले वाले, लेकिन मम्मी आप सो गाइस देयर इज अ स्नीक पिक ऑफ माय आउटफिट व्हाट आई एम वेयरिंग। आई हैव ऑर्डर्ड इट फ्रॉम मिंत्रा एंड या आई हैव ऑर्डर्ड माइन फ्रॉम मिंत्रा एंड वी हैव बॉट हर ड्रेस फ्रॉम मुंबई ड्यूरिंग अ लास्ट विजिट। क्या लगाया चलो मम्मी क्या करने जा रही हूँ वहां तक। हम बना दे मम्मी, हम बना दे।